नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। खबरों के क्रम में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बुलंदशहर में मामूली विवाद में दबंग पड़ोसियों ने महिला और युवक को घर में घुसकर जमकर पीटा। एक महिला सहित 3 लोग हुए घायल, घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस ने शुरू की है मामले की जांच। मंडी चौकी की किशोरी बाग इलाके की बताई जा रही है पूरी घटना। बुलंदशहर से केपीपीएन न्यूज संवाददाता नवीन शर्मा की रिपोर्ट। क्या हुआ था आपके साथ? मैं अपने घर में बैठा था जी। 3-4 जन आकर मेरे साथ डंडे बाजी कर। कौन लोग थे वो? कितने लोग थे? 5-6 जने। कौन लोग थे? एक का नाम पहचान था और उसके दोस्त थे। एक वो था राजू का लड़का, अमन नाम था, और उसके भी उसके लड़के के भैया थे सारे, रहीमुद्दीन के सारे लड़के थे। किस चीज को लेकर झगड़ा हुआ था, क्या बात रही? रात ऐसी कोई गली में छोटी मोटी बात हो गई, तो वो रात सब फैसला हो गया था, पुलिस से फैसला हो गया, वो सब हो गया था। उन्होंने जबरदस्ती मारा है, फिर बात किया के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजीबा है। क्या हुआ था आपके साथ, वो घटना घटी है? मुझे दीवार में दे लिया, मेरी गर्दन खींच दी, मेरी आंख निकल गई, मेरे में घूस से बजाए को कई जने चिपड़ गए। साजिद नाम का, राजू की बहू और उसका और भतीजा दूसरा बड़ा वाला 9 साल। फोर व्हीलर लड़के थे इसमें कोई? हाँ। इन्होंने क्या लड़के के बाहर से बुलवाए थे? लड़के बाहर से बुलवाए टांडे के, दसियों लड़के आ गए लट्ठी ले लेके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। खबरों के क्रम में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की।